नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। आप जानते हैं एक बिजनेस कोच के रूप में मेरे लिए सबसे खुशी का पल क्या होता है, जब हम किसी शो में पढ़ाते हैं कि भाई अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लो, और इसी कड़ी में चलिए कुछ लाख लोगों का जीवन और बदलते हैं, उनको समृद्धि की ओर लेकर चलते हैं। आज फिर मैं आपको कुछ जबरदस्त बिजनेस बताने जा रहा हूं। कुछ समय पहले नागपुर में महाराष्ट्र के ब्रोकर्स का एक कॉन्क्लेव हुआ। उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कीनोट स्पीच के लिए बुलाया। मैंने वहां जाकर कहा, यदि दुनिया में हींग लगे ना फिटकरी टाइप का कोई जबरदस्त व्यापार है जिसमें महीने में 2-3 डील करके मजे से लाखों कूटा जा सकता है, जो चाहे तो पूरा दिन फ्री है, चाहे तो पूरा दिन बिजी है, जिसका बिजनेस कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि खासकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ कोई बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है तो वो रियल एस्टेट का बिजनेस है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट ब्रोकर की, जिसको हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी कहते हैं, रियल एस्टेट एडवाइजर भी कहते हैं, दलाल भी कहते हैं। क्या बिजनेस के लिए ऑफिस की जरूरत है? हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो शुरुआत एक फोन से की जा सकती है। क्या स्टाफ की जरूरत है? एक छोटा स्टाफ अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन कर लेगा, फोन कॉल्स कर लेगा, किसी क्लाइंट को प्रॉपर्टीज दिखानी तो वो दिखा लेगा। लेकिन यदि कुछ नहीं करना हो ना, आप जीरो से शुरू कर सकते हो। और भाई, इस बिजनेस को छोटा मत समझना। 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किस व्यापार को किया गया था? हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि इसका जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा हो गया है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ब्रोकर हो गए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के ब्रोकर हो गए, लग्जरी प्रॉपर्टीज जैसे कि फार्म हाउसेस के अलग ब्रोकर हो गए, रेंटल प्रॉपर्टीज के रेंटल ब्रोकर हो गए, और लीज पर दिलाने वालों के लीजिंग वाले ब्रोकर हो गए। बहुत आसानी से आज आप इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपको नेटवर्क बनाना है, इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करिए, अपने पुराने से लेके आज तक के जितने परिचय उन सबको खंगालिए, उन सबको मैसेज करिए कि यदि आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेना बेचना है तो आप मेरे से संपर्क करो। शहर में 4-5 ब्रोकर से मिलने जाओ, उनसे बात करो कि सर मैं आपकी प्रॉपर्टीज को अपने क्लाइंट्स को बेचने में मदद कर सकता हूँ, जब जब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आए आप मेरे को भी बताएं। तो एग्जिस्टिंग ब्रोकर के लिए आप एक सब ब्रोकर की तरह हो गए, और आपके लिए वो शुरुआत का जरिया हो गए, क्योंकि शुरू में आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, आपको कौन बताएगा। तो आपको शुरू में करना है कि कुछ ब्रोकर से कॉन्टैक्ट में आइए, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज की अवेलेबिलिटी है उसको अपने पास डॉक्यूमेंट करिए, बढ़िया बढ़िया व्हाट्सएप बनाइए, उस व्हाट्सएप के साथ जितनी डिटेल में आप डाल सकें, जितने वेल अरेंज वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप बना सकें, अपने पूरे नेटवर्क को वो भेजिए। वहाँ से जिसकी भी इंक्वायरी आई आप यहाँ से उसको दिलवाइए, बीच में आपके पास थोड़ा सा कमीशन हो जाएगा। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के भीतर आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ की इन्वेंट्री पैदा हो जाएगी, लोग डायरेक्टली आपके पास बाइंग और सेलिंग के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। थोड़ी सी बोलने की कला हो, भीतर में ईमानदारी और पारदर्शिता हो, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी नेगेटिव धारणा है। ये शेडी बिजनेस माना जाता है, लोगों को लगता है यार प्रॉपर्टी में फंसवा ना दे कोई। और यदि इस बीच आप ईमानदारी के साथ पारदर्शिता के साथ डंके की चोट पे व्यापार करते हैं ना, लोग आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने को तैयार होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में इंसान की जिंदगी भर की कमाई फंस जाती है, और वो ये चाहता है कि मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो ट्रस्टेबल हो, वो रिलायबल हो। और इसीलिए अक्सर प्रॉपर्टी ब्रोकर सक्षम लोगों के लॉन्ग टर्म पार्टनर होते हैं। मजे की बात, जिसको आप प्रॉपर्टी दिलाते हैं वो लेते साथ क्या बोलता है, सुनना यार कुछ अच्छा रेट मिलेगा ना, इसको अपने को बेचना है तो उसी को प्रॉपर्टी खरीदवाना है और उसी की प्रॉपर्टी बिकवाना है। कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ यूज के लिए खरीदते हैं, और बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो इन्वेस्ट करने के लिए खरीदता है। तुरंत शुरू होने वाला बिजनेस, न्यूनतम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस, चारों तरफ खूब भीड़ दिखती है, उसके बावजूद थोड़ी सी मेहनत से आप अपने लिए जगह बना सकते हैं। अर्निंग स्काई इज द लिमिट। ज्योग्राफी अपने शहर से शुरू करिए, बाद में अपने पूरे राज्य की प्रॉपर्टी बेचिए, धीरे धीरे दूसरे राज्यों में नेटवर्क खड़ा कर लीजिए। और यार सब कुछ डिपेंड करता है भूख कितनी। जिस भी घर में बच्चे हैं और घर जरा भी ठीक ठाक है, या माँ बाप बच्चों से जरा भी प्यार करते हैं, तो एक फंक्शन पक्का होगा, वो है बर्थडे सेलिब्रेशन। KG 1 से शुरू करके यहां तक कि स्कूल में एडमिशन से पहले
क्लास 9th 10th तक बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं। मतलब एक बच्चा 14 साल तक लगभग आपको व्यापार देता है। अब यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस पैदा हो जाते हैं। फर्स्ट, गेम ऑर्गेनाइजर का बिजनेस। यदि बर्थडे पार्टी होगी तो वहाँ पर गेम्स होंगे। आजकल लोग बाहर से गेम खिलाने वाले को हायर कर लेते हैं कि भाई तुम आओ, तुम अपनी थीम प्लान करो, अपना गेम ऑर्गेनाइज करो, अपने हिसाब से इनाम बांटो, ये हमारा तुम्हारा बीच का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है और चले जाओ। जनरली पार्टी कितनी देर की होती है? 2 से 3 घंटे की पार्टी होती है। एक दिन में एक पार्टी भी की जा सकती है, 2 पार्टी भी की जा सकती है। इसी बिजनेस को एक लेवल और आगे लेके चलते हैं। रेंटल टॉय प्रोवाइडर। आपने गेम्स का एक सेट बना लिया जिसको बनाने में आपको 25 से 50 हज़ार रुपया मैक्सिमम लगेगा। उसमें 10-15 गेम आपके पास आ जाएंगे। आप अपने एक ऑटो में गेम्स को लोड करके वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे 3 घंटे के लिए आपके टॉयज पड़े रहते हैं। बच्चे उन टॉयज से खूब इंजॉय करते हैं। टॉयज प्लास्टिक के होते हैं, फाइबर के होते हैं, फोम के होते हैं, वुड के होते हैं, और अक्सर उनकी लाइफ सालों साल होती है, कुछ नहीं होता उनको। और हर जगह से आप उस टॉय का रेंटल अलग से लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप एक तरफ पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की फीस कमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप टॉय को रेंट करने की भी फीस कमा रहे हैं। और यदि इसी बिजनेस को थोड़ा और सीरियस रूप में करना है तो आप जंपिंग जैक जैसी चीजें खरीद लीजिए, उनको ले जाओ, हवा भरो, लगा दो, बच्चे उसमें 4-5 घंटे खेलते रहते हैं। मुश्किल से 7-8 जगह लगाते साथ उसकी कॉस्ट वसूल हो जाती है। उसके पास जो कुछ है सब नेट प्रॉफिट है। और यदि आप शहर की जितनी भी होटलें हैं, जहाँ पर हॉल हैं, जहाँ पर लगातार ऐसी पार्टीज होती हैं, आप उन होटल्स के साथ टाई अप कर लीजिए, आप थोड़ा सा रेवेन्यू शेयरिंग कर लीजिए, देसी भाषा में जिसको कमीशन कहते हैं। और आप देखिए, हर दिन आपके पास होटल से कॉल आएगा और आपको एक नहीं, अपने टॉयज के 4-4, 5-5 सेट रखने पड़ जाएंगे, असिस्टेंट रखने पड़ जाएंगे। आज इस शो को हल्के में मत लेना। आज यहीं से अपनी गरीबी को, अपने बहानेबाजी को, अपने टालम टोल को, अपनी अपॉर्चुनिटी की कमी जैसे डायलॉग्स को आग लगा दो। आज अभी यहीं इसी पल अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो।